किसान का बेटा किसान, जवान का बेटा जवान, व्यापारी का बेटा व्यापारी, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं हो सकता। शायद इसी तर्ज पर दो महीने बाद संपन्न होने जा रहे विधानसभा के चुनाव के सियासतदारों ने चुनावी शतरंज पर अपने प्यादे सजा दिए हैं। मुख्य मुकाबला दतिया विधानसभा सीट के लिए होने जा रहा है, जहां कमल दल से जल संसाधन मंत्री नरोत्तम मिश्रा उम्मीदवार हैं, परंतु चुनाव आयोग ने उनकी अयोग्यता को बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर मिश्रा के बेटे चुनावी समर में उतर सकते हैं। मुकाबला बराबरी का बनाने के लिए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के पुत्र अंकित भारती भी क्षेत्र में घूमकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं। अंचल भ्रमण के दौरान उन्होंने जो जन समस्याएं जनता के बीच देखी, उनको हमारे चैनल बुंदेलखंड टुडे से उन्होंने साझा किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत श्रीवास्तव के साथ पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के पुत्र अंकित भारती की छोटी सी मुलाकात। नमस्कार, मैं प्रशांत श्रीवास्तव बुंदेलखंड टुडे से। आज मैं आप बात करते हैं दतिया के पूर्व विधायक श्री राजेंद्र भारती के पुत्र अंकित भारती। जैसा कि भाजपा कहती है कि अच्छे दिन आए, क्या वास्तव में अच्छे दिन आए हुए हैं जनता के लिए? देखिए, मेरा मानना यह है कि जनता के लिए तो अच्छे दिन नहीं आए हैं, पर भाजपा के लिए जरूर पिछले 15 वर्षों से और अभी 4 साल से पूरे भारत देश में भाजपा सरकार के जरूर अच्छे दिन चल रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने किसान को सड़क पे ला दिया, किसान के मकान छीन लिए, किसान की जमीन छीन ली, और जो उनके व्यापारी दोस्त थे, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आज उनके साथ बैठकर भाजपा पूरे देश में हुकूमत कर रही है, तानाशाही कर रही है और आम जनता को नकार रही है, आम जनता को नेग्लेक्ट कर रही है। ना आम जन की कोई सुनवाई होती है, ना सुरक्षा है आज महिलाओं के लिए, ना रोजगार है युवाओं के लिए। आदिवासी, दलित, गरीब, किसान, आज ये सब वर्ग परेशान है। किसान आज आत्महत्या कर रहा है। तो किस बात में मैं ये सहमति दूं कि भाजपा जो कहती थी कि अच्छे दिन आए हैं, क्या नोटबंदी को अच्छा दिन बोलूं, क्या बलात्कार को अच्छा दिन बोलूं, किस बात को अच्छा दिन बोलूं, बेरोजगारी को अच्छा दिन बोलूं? अच्छे दिन का मतलब कांग्रेस की सरकार जानती थी, और कांग्रेस की सरकार 1947 में किसानों के साथ मिलकर जय किसान जय जवान का नारा लगाकर देश को आजाद कराया था, और इस बार फिर से पहले गोरों को भगाया, इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर पूरी जनता चोरों, भाजपा के चोरों को भगाएगी। और जल संसाधन मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2008 में जब चुनाव लड़ने में दतिया आए थे तो उन्होंने कुछ घोषणाएं करी थी, जैसे कि हवाई पट्टी बने वो बनी, और जैसा कि उन्होंने कहा था स्टील प्लांट लगेगा और पंचकप से उन्नीस रोहिये तक झूले लगेगा, तो वो क्या अभी तक लगा नहीं, इसका क्या कारण? देखिए, भाजपा के जो नेता हैं, मंत्री हैं या सीएम हैं, ये सिर्फ झूठी घोषणाएं करते हैं और झूठी घोषणाओं के आधार पर ही अपनी राजनीति चमका रहे हैं। इन्होंने घोषणाएं स्टील प्लांट की करी और भी हवाई पट्टी की करी, हवाई जहाज के मरम्मत की इन्होंने एक सेंटर डालने की घोषणा भी करी थी, और रिलायंस सेंटर डालने की घोषणाएं करी थी। आज वो सिर्फ एक घोषणाएं बनकर रह गई हैं। शिलान्यास होता है, वो शिलान्यास के लिए उद्घाटन होता है, पर वो उद्घाटन सिर्फ उद्घाटन तक ही सीमित रहकर उसकी घोषणाएं समाप्त हो जाती है। उन घोषणाओं का, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, ना फॉर्मुलेशन होता कि वो जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, वो जनता तक नहीं पहुंचती है। पैसा आता है, वो पैसा मंत्री की जेब में जाता है। कांग्रेस पार्टी को भाजपा की विकास योजनाओं से दिक्कत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी को भाजपा की योजनाओं से दिक्कत नहीं है, मैं इस बात से सहमत नहीं करता। कांग्रेस पार्टी तो उनकी योजनाओं, विफल योजनाओं का, उनकी जो योजनाएं हैं भाजपा की, उनका जोर शोर से प्रचार करती है, क्योंकि उनकी योजनाएं विफल होती है। वो ना जनता के हित में काम करती है, ना जनता के कल्याण में काम करती है। कांग्रेस पार्टी विरोध भाजपा की उन नीतियों का करती है जब देश की जनता के साथ,
मध्य प्रदेश की जनता के साथ, दतिया की जनता के साथ अन्याय होता है। जब देश की जनता के साथ उनकी देश की जनता को की सुनवाई नहीं होती है, उस चीज का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। जैसा कि सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा उम्र वाले नेताओं को टिकट नहीं दे रही है, ऐसे में दतिया विधानसभा क्षेत्र से आपकी दावेदारी की चर्चाएं जोरों पर है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा ऐसा चेहरा देखती है जो कर्म निष्ठा पूर्वक करे, जो श्रद्धा के साथ कर्म करे। काबिलियत के बेस पर, जमीनी पकड़ के बेस पर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। और मैं जानता हूँ, जहाँ तक कि मेरे पिताजी जो 30 साल पहले भी वैसे ही काम करते थे, एक अच्छा लोगों के लिए काम करना, लोगों के लिए मदद करना, चाहे वो चुनाव जीते चाहे वो चुनाव हारे, वो 30 साल की उम्र में भी वैसा ही अच्छा काम करते थे, लोगों के लिए जन कल्याण करते थे, जनहित में काम करते थे, और आज वो 60 साल की उम्र में भी वैसा ही काम कर रहे हैं। और रही बात, आप कह रहे हैं कि मेरी टिकट या दावेदारी की बात आप लोग कर रहे हैं, तो देखिए, चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता पहले तो, क्योंकि उसकी काफ़ी सारी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के आधार पर संवैधानिक प्रोसेस, लीगल प्रोसेस होती है। फिर जनता चेहरा चुनती है कि इस चेहरे को हम लोग देखना चाहते हैं अपनी प्रतिनिधित्व के तौर पर। फिर पार्टी हाईकमान तय करता है कि वो किसको टिकट देंगे, किसको टिकट देना चाहिए। और मैं अभी हाल ही में, मौजूदा दौर में, मैं अभी LLM मास्टर्स कोर्स कर रहा हूँ इंग्लैंड से, तो ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। बाकी मैं अभी, जैसा कि आपने सुना, ये थे दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती के पुत्र अंकित भारती, जो जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रथ पर सवार दिखाई दे सकते हैं। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।